नमस्ते दोस्तों, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में सूजी का स्टफ चिल्ला का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने लहसुन और ग्रेटेड जिंजर और मिर्च डाला है। उससे पहले मैंने सूजी को एक घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और ये देखिए मेरा चौका हो गया फ्रेंड्स, तो इसमें मैं डाल दूँ अनियन। तो सूजी फूल गई है और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर मैं स्टफिंग प्रिपेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अनियन का कलर चेंज हो रहा है। अब इसमें मैं सॉल्ट डालूँगी और हल्दी डालूँगी। तो फिर थोड़ा भूनूंगी। तो फ्रेंड्स, ये प्याज हो गया है, इसमें मैंने बस हल्दी डाला है, थोड़ा सा गर्म मसाला। और ये देखिए ये बॉइल्ड पोटैटो है, इसमें मैं अजवाइन और कलौंजी मिक्स की हूँ और ये साथ में धनिया है जो लास्ट में डालूंगी। अब इस आलू को मैं मिला दूंगी प्याज में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। और बस इसको धनिया से गार्निश कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी स्टफिंग रेडी। और ये देखिए मैंने सूजी को फूलने के लिए रख दिया था। ये फूल गई है, इसकी कंसिस्टेंसी आपको ऐसे रखनी है। और ये देखिए मैंने तवा भी बैठा लिया। अब ऑयल डालूंगी और इसको चार। तो सूजी का मैंने लेयर डाला, आपको पतला ही रखना है। फिर मैं इसमें स्टफिंग डालूंगी और फिर से एक बार सूजी का लेयर लगा दूंगी और इसके बाद इसे कवर करके आपको पकाना है। ये बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स, एक बार आप ट्राई कीजिए। आप समोसा और या फिर कुछ भी, आपको आलू पैटीज, ये सब से भी ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, आप नॉन स्टिक तवा का यूज़ करें, और अगर आपके पास डोसा वाला तवा है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फटने का चांस है। लेकिन ये देखिए, ये दोनों तरफ से मैंने इसको सेक लिया। अब मैं इसको कट कर लूँगी और फिर सर्व कर दूँगी चटनी। मैंने धनिया की चटनी बनाई हुई थी, उसके साथ मैंने सर्व कर दिया।